इस साल का सबसे खूबसूरत तोहफा हो तुम। ओ भाई साहब, देखिए जी कितने बड़े बड़े गिटार रखे हैं। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 8:30 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा, स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल साफ है, और बाकी यहाँ माने आज जो धान की मंडाई हुई और जो धान निकला उसको अब सुखाने डाल रहे हैं। 3-4 दिन तक ये सुखाने डालेंगे, उसके बाद इसको स्टोर करेंगे, नहीं तो ये सड़ जाएगा। अभी मेरे और बड़े भाई की तैयारी है, सौरभ भाई कल आ रही थी तो उनको देहरादून जाना है। यहाँ से जो कोडार है वहाँ आती है देहरादून की बस, सेमो के मोके वहाँ से जाती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम कोडार के पास बस में बिठाते हैं जो उत्तराखंड परिवहन निगम है। तो भाई साहब और सौरभ मुझे रुके हुए थे यहाँ, क्या हाल है? थोड़ा लेट में आ गया मैं आज ने। अच्छा चलो, ये तो है, सही बात है, सही बात। भाई देहरादून जा रहा है? कौन सी भाषा बोल रहा भाई? भाई गलत इंसान बिठा दे गाड़ी में। यह है दैतराज जी का मंदिर। तो चलिए जी, फाइनली हम कोडार के पास पहुंच गए हैं। बस को आने में अभी टाइम है, यानी कि हमने सोचा पहले आ जाएगी, लेकिन अभी 2-4 मिनट बाद आएगी वो। तो जो बस आती है वो नीचे देहरादून से आती है और यहाँ से सेम मुखिम के लिए जाती है। यहाँ से जो सेम मुखिम की दूरी है लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे जो चौकी है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक, यहाँ से ऊपर 3 किलोमीटर हमारा गांव है, वहाँ जो चौकी है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आती है, यानी कि इन दो चौकियों के बीच 3 किलोमीटर का फर्क है। और सेम मुखिम को पांचवा धाम भी माना जाता है। तो चलिए फाइनली सौरभ भाई भी चले गया देहरादून। तो देखिए जी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। जैसे मैं घर पहुंचा तो मैंने वीडियो अभी 10 मिनट पहले पब्लिक कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपकी वीडियो प्ले नहीं हो रही है। इस वजह से मुझे फिर से खुरमला धार में जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहीं थोड़ा नेटवर्क सही चलता है। घर में तो मैंने लगभग सुबह 6:30 बजे से वीडियो अपलोड लगा दी थी, लेकिन अगर फिर से लगाऊं तो 2-3 घंटे और लगेंगे। इससे बड़े मैं यहाँ से वहीं जाता हूँ। तो जैसे हम वहाँ से कोडार से आए थे, तो अभी मैं भैया के साथ फिर जा रहा हूँ खुरमला धार पे। एक कमेंट नहीं, दो कमेंट नहीं, बहुत सारे कमेंट है कि आपकी वीडियो प्ले नहीं हो रही है। तो चलिए एक बार डिलीट करता हूँ वीडियो, फिर चलता हूँ खुरमला धार, फिर से प्ले करता हूँ। यार हो जाते कई बार सर्वर दिक्कत हो जाती है, अब क्या कर सकते हैं। क्या दिन को स्कूल लेगी? 9 बजे को स्कूल? चलो ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अब जो स्कूल की टाइमिंग है वो चेंज हो चुकी है, यानी कि 9 बजे का स्कूल है, इसीलिए अब बच्चे लगभग 9:15 बजे स्कूल जा रहे हैं। चलो 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 चलो, बस 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 बस, ये खम्मा ना उड़ेगा जी। तो चलिए जी, जिस सड़क से अभी आए फिर वहीं से नीचे जा रहे हैं। तो पहाड़ों की सड़कों में जो गाड़ियां नीचे आती है उसको खुद साइड देनी चाहिए। तो जैसे कि बथेरे लोग बोलते हैं कि आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो और पैसे कमाते हो। देखिए जी, पैसे कमाना कोई आसान नहीं होता, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अभी देखो, मैंने वीडियो अपलोड की, उसके बाद धड़ाधड़ कमेंट आ रहे हैं कि आपकी वीडियो नहीं चल रही है, तो मुझे फिर से अपने गांव से वापस आना पड़ा और खुरमला धार पे फिर से वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। और ऊपर से टेंशन अलग चल रही है माइंड में, जब तक ये पॉजिटिव कमेंट नहीं आएगी वीडियो चलने लग गई है। तो अब वो फिर वीडियो डिलीट करता हूँ और फिर से उसको रीअपलोड करता हूँ। तो चलिए, फिर से खुरमला धार के ऊपर आ गया हूँ और वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि वहीं पर सबसे अच्छे नेटवर्क चलते हैं। ये नहीं कि ये सबसे ऊंचाई पे तो यहाँ हर जगह नेटवर्क चलेंगे, यहाँ पर भी एक ही दो जगह है जहाँ पर नेटवर्क चलता है, हर जगह नहीं चलता है। तो चलिए जी, काफी दिनों बाद आज इस हसीन जगह पे आने का मौका मिला, अब जल्दी से जल्दी वीडियो फिर से अपलोड करता हूँ और शायद 1 घंटे में फिर से वीडियो आपको दिख जाएगी। तो देखिए जी, वीडियो अपलोड करने आए थे, लेकिन बहुत सारों का मेरे को मैसेज भी आया पर्सनली और बहुत सारों की कॉल भी आई कि भैया आपकी वीडियो पर 1/2 घंटे बाद चलना शुरू हो गई है। इस वजह से मैंने जो वीडियो अपलोड की थी 50% के बाद मैंने वो फिर से डिलीट कर दिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो जब चल रही है तो अब उसको डाल के क्या फायदा है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग रहा है। आज ऊपर से नेटवर्क भी नहीं चल रहा। चले भैया, चलो भाई साहब, नहीं चल रहा है। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए जी, मुझे यहाँ भी आना पड़ता, तो जरूरी नहीं कि यहाँ नेटवर्क चले, यहाँ 4G भी ढंग से चले भाई वही बहुत है, 5G तो पता नहीं कब आता। तो चले, अपने धनों को हमने वहाँ पे खड़ा कर रखा है, तो स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं घर के लिए। चलिए जी, हमें 10 बज गए और हम फिर से वापस आ गए हैं। वीडियो भी अपलोड नहीं की क्योंकि वीडियो पर फिर से चलने लगी थी। चले, होता है कई कई बार नसीब में होता है नहीं भटकना। अच्छी बात ये है कि वीडियो फिर से चल गई। चलो हाँ, ये बात भी अच्छी है कि वीडियो चल गई, तो भटकना भी था आज। थोड़ा घूमना हो गया, कई चलो सही बात है ना, 15 दिन बाद गया। वैसे भाई साहब कई महीनों बाद आजकल अपने गांव आ रखे हैं, तो थोड़ा घुमाना भी जरूरी था, क्यों? कम से कम 15 दिन हो गए। सही बात, झूठ ना, 15 दिन नहीं भाई, लगभग 4-5 महीने हो गए होंगे। चलिए आप थोड़ा मार्केट जाते हैं, वहाँ से कुछ सामान है वो लेके आते हैं, फिर घर चलते, नहीं तो घर वाले बोलेंगे आज कहाँ गई है, इतनी देर तो ठेके पे भी नहीं लगती। तो यहाँ से जैसे चढ़ाई लगती तो हमारे गांव का मार्केट शुरू हो जाता है। भाई जी, धूप खाओ ना, वहाँ छाव में क्यों बैठ रहे हो? तो देखिए जी, यही जिंदगी, किसी को धूप से नफरत है तो किसी को छाई से प्यार है, छाई नहीं सॉरी छाव से प्यार है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार
बढ़िया ठीक है भाई साहब बढ़िया। तो हमारे गांव से केदारनाथ की दूरी 190 किलोमीटर, बूढ़ा केदार 34 और गैरसैंण यहाँ से 216 किलोमीटर। चलिए भाई साहब, तो इस फंटी के लिए आए, यहाँ छोटी सी फंटी, और यहाँ से बस जाली ले जाएंगे खिड़की के लिए। चलिए जी, फाइनली भाई साहब ने जाली ला दी है, यानी कि आज हम खुद मिस्त्री बनते हैं। जरा कब से किया नहीं यार ये काम, जरा आज पहली बार अजमा लेते हैं जरा। क्या हाल है संजू? बोला ठीक है। बोला बिम्बार दे दे, तुम्हारा दादा है, खूब मांगो खूब मांगो। चलिए जी, घर से बिम्बार मंगा रही थी तो वो भी दो ले लिए। तो चलिए जी, सरकार ने रोक लगा दी दुकान तोड़ने पे, तो भाई खुश हो रहा भाई आजकल, आ गया अपनी दुकान पे ने। चल ठीक है ठीक है, और आजकल इसने इसमें पेंट भी कर दिया भाई, नए नए रैक लगा दिए। चल ठीक है, बोला बताए वो। तो देखिए जी, इसीलिए कहते हैं कि बाजार अपने तरफ आकर्षित करता है। गए तो हम सिर्फ इस जाली के लिए थे, लेकिन पता नहीं कितना सामान ला दिया हमने। तो आज भाई पूरा धान सुखाने डाल रखा है, और साथ में आज अनीता को घर ही पे रखना पड़ा। माँ ने बोला इसको कि आज छुट्टी रख ले, क्योंकि धान सुखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई सड़ जाएगा। और बाकी भाई साहब भी आ रखे हैं। हेलो, क्या हाल है? आजकल घूम फिराई हो रही खूब है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आराम करो आराम करो। ले अनीता, आज अनीता ने भी छुट्टी रख दी यार धान सुखाने के लिए। तो ठीक है अनीता, मैं थोड़ा भेज के यहाँ जा रहा हूँ आगे। धान की एक भी दाने कम नहीं होनी चाहिए, अभी शाम को इसकी गिनती होगी। अभी हाँ ना, शाम को मैं और भाई जी गिनेंगे। चले भाई जी, तो चले अब भाई जी के यहाँ चलते हैं। चला आगे मतलब, ठीक है। अब थोड़ा भाई जी के यहाँ चलते हैं, जाली भी फिट करनी है भाई जी खिड़की पे। तो देखिए जी, सभी लोगों ने आजकल धान सुखाने डाल रखा अपने चौक में। तो गांव में जिस भी चौक से होकर गुजर रहा हूँ, सब ने धान सुखाने डाल रखा है। देखिए जी, इस धान के लिए इतना पसीना बहाया जाता है, लास्ट में अगर हम इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो इसको तो बंदर चिड़िया सब खा लेंगे। हमारे गाँव का माँ दुर्गा का मंदिर कितना खूबसूरत बन गया है। मंदिर तो बन गया, अभी उसमें फिनिशिंग जारी है। जब उसकी फिनिशिंग हो जाएगी उसके बाद काफी भव्य लगेगा वो। तो भाई ये है भगना ललिता का मकान, आजकल वो सब लोग नीचे जा रखे हैं। तो देखिए, इंसान के बिना घर कितना सोना सोना लगता है। देखिए जी, यही होता है जब आप साल में एक बार घर आते हैं ना, सारे कपड़े सीलन से हो रखे हैं, सबको सुखाने डाल रखा है, साथ में यहाँ पे धान भी सुखाने डाल रखा है। भाभी जी प्रणाम, लगे काम पे, चलो अच्छी बात है। बाकी हमारी ताई जी, ताई जी कल देहरादून से आए, देखो रंग खिल रखा भैया, क्या बात है। ठीक है ठीक है ठीक है। और ताई जी के साथ साथ इस मकान का भी आजकल थोड़ा रंग खिल रखा है भाई। तो ताई जी की डिमांड है बल्कि दांत लगवाने, सही में लगाने। उम्र कितनी तेरी अभी है? दांत तो है बुढ़ी तेरे, अब क्या लगाएगी अब। तो देखिए जी, ताई जी की डिमांड है बल्कि मेरे दांत लगवाओ, चाहे कुछ हो जाए। चलो ठीक है ठीक है। ये जो जाली हमने इस खिड़की के लिए लाई है, इस पे फिट करेंगे ताकि मक्खी मच्छर अंदर न जाए। समय आ गया अपना हुनर दिखाने का, तो देखते हैं जाली फिट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जी, काम के साथ साथ भाभी जी ने चाय बना दी, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। बाकी जाली लगाने का काम चल रहा है, और मैं आपको बता देता हूँ ये जाली क्यों लगाई जा रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब यहाँ दरवाजे बंद हो रहे और ये खिड़की बंद रख देना, तो इस वाले कमरे में सीलन आ रहा है। तो भैया लोग तो उत्तरकाशी रहते हैं, तो अब वो क्या करेंगे, अंदर से खिड़की खुला रखेंगे, तो जाली से मच्छर मुच्छर चूहे चाहे अंदर नहीं जाएंगे। और कल हमारी ताई जी भी चली जाएगी उत्तरकाशी ने, यानी कि यहाँ कोई नहीं रहेगा, ये दरवाजे फिर से बंद हो जाएंगे। ये दरवाजे ऐसे खुल रहे जैसे साल में एक बार कपाट खोलना पड़ता है ना, ऐसे खुल रहे हैं आजकल घर के दरवाजे भी। मंदिर हो चाहे घर हो, उसकी वैल्यू तब तक है जब तक इंसान है, इंसान नहीं है तो वहाँ कीड़े मकोड़े जालियाँ ऐसी लग जाती है भाई। बाकी आज सारे कपड़े सुखाए जा रहे हैं, क्योंकि कल ही सब अंदर पैक करके रख देंगे, फिर जब अगली बार भैया लोग आएंगे फिर से इन कपड़ों को धूप में सुखाने डालेंगे। तो भाई आज पहला दिन है मिस्त्री बनने का, तो थोड़ा दिक्कत तो हो रही है, नाप झाप का पता नहीं चल रहा, कहीं से किल इधर उधर जा रही है, लेकिन चलो करत करत अभ्यास, क्या पता कल के दिन हमारा बिजनेस यही हो। अली तो हमने जैसे तैसे करके फिट कर दिया, बाकी जो साइड में फ्रेम है उसको फिट कर रहे हैं। और देखिए चाकू से हो रही है कटिंग, ये देखिए, जब हमारे पास औजार कुछ है ही नहीं, तो अब हमने क्या किया कि घर में जिस चाकू से प्याज टमाटर काट दे उसे लकड़ी काट रहे हैं। तो भाभी जी ने भी धारे से पानी ला दिया है, बिट्टू ने भी थर्मस में पानी ला दिया है। तो चलिए जी, 10 बजे से हम लगे थे, अब जाके 12 बज गए और अब जाके पूरा कंप्लीट हुआ भाई। और उस बीच में भी कई बार ऐसे से निकले, बताओ यहाँ से लकड़ी नापना भूल गए, फिर यहाँ से दूसरा टाला लगाया, यहाँ से पट गया, हमारे हेड मिस्त्री साहब चल पड़े अपने घर। चलिए जी, अब दूसरी चाय भी मिल रही है, क्योंकि उस टाइम हम थक गए थे। और बस फर्क इतना है कि आगे टाइम दूध वाली थी, अभी फीकी वाली है, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था तो उस टाइम हमारी बहुत इज्जत थी, तो उस टाइम दूध वाली चाय मिल रही थी, लेकिन जैसे भाभी जी ने हमारा काम देखा उसके बाद भाभी जी ने बोला तुम्हारे लिए दूध बेकार है देना, तुम्हें सीधे फीकी वाली दे दी अभी मजबूरी में। चलिए अब यही पीनी पड़ेगी साहब, ऐसे काम करो तो ऐसी चाय मिलेगी। तो दिन के 12:30 बज रही और मेरा खाना आज यही है, यानी कि अच्छा काम किया आज मिस्त्री वाला, तो जाहिर सी बात है खाना मिलना भी पता नहीं खाना कैसा होता जैसे चाय थी वैसे ना हो। पर आज काफी दिनों बाद उसी किचन में खाना खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जहां मैं बहुत पहले खाता था। तो आज के खाने में राई की सब्जी, चने की दाल और दही है। तो भाई जी ने आज इतनी बढ़िया खिड़की पर जाली लगाई, तो जाहिर सी बात है भूख भी तो डबल लग रही होगी नी। तारीफ नहीं सुन पा रहे अपनी, होता है भूख मर जाएगी, दो रोटी कम खाना हुई। भाई कैसा लगा हमारा काम आज? पर चाय में और रंग क्यों नहीं आया उसके बाद, जब हम काम शुरू कर रहे दोस्तों तो कलर था उस चाय में, काम करने के बाद आपने देखा तो कलर ही गायब हो गया। दूध वाली चाय पियेंगे तो
ज्यादा अच्छा काम करेंगे बाद में देखा हो फीके के लायक थे। तो देखिए जी यही इज्जत हमारे घर में, क्या कर सकते हैं हम, खाना तो मिल गया कम से कम कलर वाला। तो चलिए जी दिन की एक बजने वाली और मैं भी घर जाता हूँ। चलो ठीक है फिर, टाटा बाय बाय। अरे टाटा तो करा, तू भी कर बेटी, शाबाश तू भी कर, चल ठीक है। और भाई साहब अभी जाएंगे धनारी गांव में, वहीं इनका क्लिनिक है। तो आज वैसे भाई साहब का मन नहीं कर रहा था, लेकिन पेशेंट का बार बार फोन आ रहा तो उसकी वजह से भाई को जाना पड़ रहा है। देखिए जी जैसे अंदर आए, यहाँ देखो विद्यार्थी ने किताब नीचे रखी हुई। हेलो है बाबुआ, उठ जा खाली, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ जा, आ गए होस। कौन सी किताब पढ़ रही है जिससे तेरे को एकदम नशा लग रहा है? भाई साहब किंग राइडर, पता नहीं, जा जा सो जा सो जा, ठीक है नहीं था आगे मैं शाम को। देखिए जी सडनली मेरा भी प्लान बन गया है, भाई साहब बोल रहे कि मेरे साथ आज क्लिनिक पे चल बने। मैंने कहा चलो मैं भी क्या करूंगा, आज धान की देखभाल करने के लिए अनीता है यहाँ, उसी बहाने मैं भी आज भाई के साथ थोड़ा धनारी गांव में जाता हूँ। तो हमारे जो प्लान होते हैं सडनली बन जाते हैं, क्योंकि मेरा पहले कोई प्लान नहीं था भाई साहब के साथ जाने का, लेकिन अचानक से भाई साहब ने बोला चल ले यार, बोल थोड़ा मैं भी उदास हो रहा हूँ गाड़ी पे। मैं कहा चलो फिर मैं भी थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। तो फाइनली हम धनारी के फोर्ड गांव में पहुंच गए हैं। प्रणाम बड़े जी, क्या हाल है? सब ठीक है? आज जवान दिख रहे हो आप है? नहीं सही में आज जवान दिख रहे हो, आज चमक भी आ रही है, चमक भी आ रही है साहब। चलो वो ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो भाई ताऊ जी अभी भी इस होटल को चलाते हैं। उम्र कितनी है आपकी? 74 है। चलो भाई पहाड़ों में भाई बुजुर्ग लोग जब तक जिंदे है ना तब तक करते रहते हैं भाई काम। तो आज यहाँ लगभग सारी दुकानें बंद हो रखी है, तो आजकल यहाँ भी धान की मंडाई चल रही, तो सब लोग धान को मारने जा रहे हैं खेतों में। तो अब लग रहे भाई आप डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में बैठ गए। अभी तक थोड़ी देर पहले मिस्त्री बने हुए थे घर में, और आप देखो तुरंत अपना कार्यभार पकड़ लिया आप, सर्वहारिय साहब। देखिए जी हर चीज में आपको निपुण रहना चाहिए, कब आपके सामने वो परिस्थिति आ जाए। तो समय अभी 3:30 बज रही, और अब जाके बच्चों की छुट्टी हो रही है। तो शाम की 5:30 बज चुकी है, और बाकी ये गाड़ी आती है उत्तरकाशी से, ये भी धनारी जा रही है, और सूर्य देव भी अब यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो चलिए हम भी अब यहाँ से घर निकलते हैं। देखिए जी कितने बड़े बड़े गिटार के यहाँ, ओ भाई साहब कितने बड़े बड़े गिद्ध हैं भाई, अरे उड़ गया भाई। तो चले जी फाइनली मैं भी घर आ गया हूँ, रात की 8 बज चुकी है, तो थोड़ा लेट हो गए थे हमें मार्केट में सामान सामान लिया। तो चले अब आपको दिखाता हूँ मैं भांजी की फोटो, क्योंकि मैंने पहले बहन को पूछा कि फोटो दिखानी कि नहीं दिखानी, तो उसने बोला कि दिखा दो बल। फिर माँ भी उससे वीडियो कॉल कर रही, मुझे काफी अच्छा लगा कि जिस बहन के साथ हम बचपन में रहे, साथ खेले, कई सुख दुख है जो हम सब ने आपस में झेले, लेकिन आज उसकी लड़की हो गई और हमें भी मामा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरी बहन है ये अनीता की सबसे बड़ी दीदी है, जिसकी शादी पिछले साल हुई थी। तो अभी माँ कर रही है भांजी से बात, वो लगी वहाँ क्वैं क्वैं करने पे। तो एक्चुअली यहाँ नेटवर्क ढंग से नहीं पकड़ता, तो इसलिए वीडियो फट रही है, साफ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी देखो कैसी हंस रही हो। इस साल का सबसे खूबसूरत तोहफा हो तुम। तो फाइनली आप लोगों ने देख लिया, फोटो भी देख ली और वीडियो कॉल भी देख ली है। तो चलिए आज की वीडियो को इतने रखते हैं, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, टेक केयर।